हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हार अंटिल मिडनाइट, एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो एंड वॉट विड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। ठीक है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भैया 12 नून जो दोपहर के 12 बजे थी, उस टाइम जो टेम्परेचर था वो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। ठीक है, अबव जीरो, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस अबव था। ठीक है, इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हार अंटिल मिडनाइट। अब मिडनाइट तक क्या होता है, डिक्रीज होता है 2 डिग्री सेल्सियस पर हार। पर हार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कब तक, मिडनाइट तक। देन आपसे पूछ रहा है एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो आप बताइए कि 0 से 8 डिग्री सेल्सियस बिलो पर क्या टाइम होगा, मतलब जब टेम्परेचर 0 से 8 डिग्री नीचे आ जाएगा उस टाइम आप बताइए हमारे को टाइम क्या होगा। ठीक है, क्लियर है। एंड वॉट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, मतलब मिडनाइट जो होगी ना, जो अपना आंसर आएगा, जो टाइम आएगा अपना, उस टाइम को टेम्परेचर क्या होगा, ये भी आपको बताना है। क्लियर है बात। तो इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं थोड़ा सा नंबर लाइन लेकर। अगर आप नंबर लाइन से समझ जाओगे तो बहुत इजी होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ये मान के चलिए कि एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ की है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं नंबर लाइन ड्रॉ। सेंटर में क्या होता है हमारा, ज़ीरो होता है। सिमिलरली यहाँ पर 1 होगा, 2, 3 पॉजिटिव चलता है ना राइट हैंड साइड में ज़ीरो के, तो पॉजिटिव लिख रहे हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस टाइप से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और इस टाइप से सो ऑन चल रहा था आगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो 12 नून को क्या है, 12 बजे 12 नून जो टेम्परेचर है वो क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस अबव है, तो जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस अबव मतलब जीरो से ऊपर। तो जीरो से ऊपर कहाँ आएगा, यहाँ पर, और जीरो से नीचे कहाँ आएगा, यहाँ पर। आपको ही पता है जीरो से अगर ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा, जीरो से ऊपर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा इस टाइप से। और जीरो से अगर नीचे चलेंगे तो कौन आएगा, -1, -2, -3 ऐसे होता है। तो जीरो से अगर 10 ऊपर जाओगे तो आप कहाँ होगे, सीधे आप आओगे यहाँ पर। जीरो से 10 ऊपर आओगे तो आप कहाँ होगे, 10 के यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस, तो जो 12 बजे था वो, ये 12 बजे का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो डिक्रीज हो रहा है कितना, 2 डिग्री सेल्सियस। अब समझना मेरी बात को, 2 डिग्री सेल्सियस हमारा पर हार डिक्रीज हो रहा है। पर हार का मतलब आप समझ रहे हो, पर हार, एवरी हार हमारा 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, चलो तो 2 डिग्री सेल्सियस हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो ये टेम्परेचर की लाइन है, ये 0, 1, 2, 3, 4 ये टेम्परेचर है। अब देखो पर आर अगर हमारा डिक्रीज होगा कितना, 2 डिग्री सेल्सियस, तो देखो हम 2 डिग्री सेल्सियस पर हार करेंगे। तो ये देखो डिक्रीज होके, फर्स्ट हार में डिक्रीज होके कहाँ पर आ जाएगा, अभी तो 10 था, 12 बजे हमारा 10 था, फर्स्ट पहला हार हुआ और डिक्रीज होके कहाँ आ जाएगा, 8 पे आएगा, क्योंकि 10 से 8 की ओर ही आएगा ना। 10 से 9 तो 1 डिग्री सेल्सियस, और 9 से 8 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब 10 टू 8 कितना हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 1 हार हो गया। फिर 8 से कहाँ आएगा, 6, मतलब कुल मिलाकर 2 जंप लगानी है, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है ना एवरी हार, तो एवरी हार 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, 2 जंप लगानी है। यहाँ पर 2 सेकेंड हार हो गया, फिर 2 जंप लगानी है, थर्ड हार हो गया, फिर 2 जंप लगानी है, फोर्थ हार हो गया, फिर 2 जंप लगानी है, फिफ्थ हार हो गया। ठीक है, अब देखो कहाँ तक आना है आपको, एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, ये पूछा है आपको। 0 से 8 डिग्री बिलो, तो 8 डिग्री बिलो कहाँ पे आएगा, 0 से 8 डिग्री बिलो यहाँ पर आएगा, यहीं आएगा ना, 0 से 8 डिग्री बिलो यहीं तो आएगा। और 0 से 10 डिग्री अबव कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखो फिर और 2 जंप लगाएंगे हम, 2 डिग्री सेल्सियस और डिक्रीज करेंगे, तो कौन से हार में होगा ये, 6 हार में। फिर 2 से -4, -2 से -4 2 जंप लगाएंगे, 7th हार। ठीक है, फिर -4 से -6 8th हार, फिर -6 से -8 कौन सा हार, 9th हार। मतलब टोटल नंबर ऑफ हार्स कितने लग रहे हैं अपने को, 9 हार्स लग रहे हैं।
कितने हार्स लग रहे हैं, 9 हार्स। देखो 12 बजे, जो 12 बजे 12 नून को हमारा टाइम क्या था, 12 नून को हमारा, हाँ सॉरी 12 नून को हमारा जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। अब देखो 12 नून को था 10 डिग्री सेल्सियस, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो, तो 8 डिग्री सेल्सियस आने पर कितना टाइम, क्या टाइम था, मतलब 8 डिग्री सेल्सियस आने पर क्या टाइम था, तो 12 से 9 घंटे ऐड कर लो, तो आपको खुद को ही पता है 12 बजे दिन की 12 बजे, दिन की 12 बजे में अगर 9 हार्स ऐड करोगे तो रात की 9 पीएम बजेगी या नहीं बजेगी, रात की 9 बजेगी या नहीं बजेगी, बजेगी। तो रात को 9 बजे का टाइम था, ये रात को 9 बजे का टेम्परेचर था, ठीक है। तो 9 पीएम का टेम्परेचर कौन सा था, -8 डिग्री सेल्सियस। अभी पूछ रहा व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो आप कहोगे -8 डिग्री सेल्सियस, ये था टेम्परेचर, क्लियर है बात। तो दो क्वेश्चन पूछे कि व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, तो आप कहोगे 9 पीएम, एंड व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, आप कहोगे -8 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले तो हमने किस में समझा, नंबर लाइन पर। अब आप इसे कैसे करोगे बिना नंबर लाइन के, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, एक मिनट। बिना नंबर लाइन के कैसे करेंगे, क्या हो रहा है, स्लो कैसे चल रहा है, स्लो चल रहा है यार ये। हाँ तो अब इसे लैंग्वेज के फॉर्म में हम कैसे करेंगे, तो लैंग्वेज के फॉर्म में समझते हैं कैसे टाइप से अपन करेंगे इसे, ठीक है। तो द टेम्परेचर डिक्रीजेस 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू कितने हार में, 1 हार में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है कितने घंटे में, 1 घंटे में, ठीक है। देन द टेम्परेचर डिक्रीजेस 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने घंटे में होगा, 1/2 हार में। भाई 2 डिग्री सेल्सियस अगर 1 घंटे में टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने घंटे में होगा, हाफ आवर में होगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस 18 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर डिक्रीजेस 18 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, अब 18 डिग्री सेल्सियस देखो यहाँ पर, क्योंकि 18 डिग्री हुआ था ना, मैंने नंबर लाइन से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया था कितने डिग्री सेल्सियस हुआ था टेम्परेचर डिक्रीज। देखो यहाँ से 0 से आप 10 गए थे, फिर 10 से सीधा कहाँ पे आया था, -8 पे आया था, तो टोटल कितना डिक्रीज हुआ था, तो कुछ देखो 0 से 10 आने में 10 और फिर यहाँ से यहाँ आने में 8, तो टोटल डिक्रीज कितना हुआ, 10 से 8 आने में कितना टाइम लगा, टाइम क्या, कितने डिग्री सेल्सियस हुआ, 18 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो 18 डिग्री सेल्सियस टोटल डिक्रीज हुआ था हमारा, ठीक है। तो द टेम्परेचर डिक्रीजेज 18 डिग्री सेल्सियस, तो अपन क्या करेंगे इसके लिए 18 को इंटू कर देंगे 1/2 हार से, तो उसका अपने को टाइम निकल जाएगा, 2 1 2 2 9 18, तो कितना हार, 9 हार, ठीक है। तो 9 हार्स अपने निकला है, देन टोटल टाइम अपने को निकालना है, तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 12 नून प्लस 9 हार, ठीक है। तो 12 नून प्लस 9 हार क्या होगा हमारा, 21 हार, और 21 हार को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, 9 पीएम से, आप करके देख लीजिए, 12 12 के बाद में 9 ऐड करोगे तो 21 हार ही आएगा, और जो 12 के बाद में 12 दिन के 12 बजते हैं उसके बाद में 9 ऐड करोगे तो रात के 9 ही तो बजेंगे, और रात के 9 बजे को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीएम से, तो 9 पीएम, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट के तौर पर लिख सकते हो 10 एट 9 पीएम द टेम्परेचर वुड बी, द टेम्परेचर वुड बी, तो ऐसे लैंग्वेज में आपको करके आना है, वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 9 पीएम पे कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो होगा 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्लियर है बात। तो जैसा क्वेश्चन में कहा था उस टाइप से अपन ने निकाल लिया, तो वुड बी द टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, तो 8 9 पीएम पे 9 बजे, 9 बजे रात को 9 बजे ही होगा 0 डिग्री से नीचे 8 डिग्री सेल्सियस,
क्लियर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।